मेरा जन्म बीकानेर में हुआ और मेरी जितनी भी स्कूलिंग और बचपन है वो मेरा सादुल शहर सूरतगढ़ हनुमानगढ़ गंगानगर से मैंने एमए करके उसके बाद शादी होके मैं जयपुर आई। तो बहुत छोटी थी, स्कूल मम्मी पापा थे और मेरे जो दादा थे वो बिरदी चंद जी गंगा सिंह जी के नाजिम थे, तो उनका बीकानेर में बहुत नाम था। तो नाजिम साहब, हमारी जो घर था वो कहलाता था नाजिम साहब की हवेली है ये। दादाजी का बहुत नाम था, दादाजी का पूरे बीकानेर का, पूरे सुजानगढ़ चूरू यहाँ सब जगह उनका बहुत नाम था। पापा मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग सादुल शहर हुई, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद छोटा सा थे, फिर हनुमानगढ़ आए, वहाँ पर लाइटें भी नहीं थी। जब मैंने पढ़ना जब शुरू किया तब हनुमानगढ़ में लाइट भी नहीं थी, तो हम लोग लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। आगे बढ़े, सूरतगढ़ पापा आए, बीजो बनकर आए, तो वहाँ पर स्कूल शुरू किया। फिफ्थ या सिक्स्थ में आए तो गाने का बहुत शौक था मुझे, डांस का बहुत शौक था मुझे, खेलने का बहुत शौक था मुझे, हर चीज़ का शौक था। मतलब ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ ऐसी है मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, ये मेरे हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था। ऐसे ही मैं जैसे सिक्स्थ या सेवन्थ में थी तो स्कूल के जो प्रोग्राम होते हैं जो सब जने करते हैं मैं भी कर रही थी, तो डांस में बहुत अच्छी थी, गाने में बहुत अच्छी थी, तो हर उसमें आइटम में मैं होती थी। और जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन मैं पड़ गई बीमार, तो मैं जा नहीं पाई, तो उस दिन वो स्कूल का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। छोटी सी बच्ची होती है ना, बड़ी खुश होती है वो, जैसे पता चला कि खुश है, मैंने आके अपने पापा से कहा पापा आज मैं नहीं गई ना स्कूल, तो देखो स्कूल का प्रोग्राम भी नहीं हुआ। छोटी सी बच्ची, हो सकता है अहंकार होगा उस टाइम मेरे पे अंदर, तो पापा कहते कि देख बेटा ऐसा है कि प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेहरू जी जब चले गए तो ऐसा थोड़ी है कि आज अपना इंडिया चल नहीं रहा है, चल रहा है ना, किसी की वजह से किसी की चीज़ दुनिया में कभी नहीं रुकती। वो आज वो पापा की कई भी बात मुझे आज तक याद है, वो शायद मेरे को लगता है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि वो जो मेरे को पापा ने उस टाइम कहा था, तो अच्छा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते गए, चलता गया स्कूल में। स्कूल में बहुत डांस करती थी, बहुत गाना गाती थी, एनसीसी में थी और बैडमिंटन खेलती थी, टेबल टेनिस खेलती थी, मतलब शायद ही कोई चीज़ थी जो कि स्कूल की एक्टिविटी हो और मैं ना करूँ। डिबेट बहुत बोलती थी मैं। तो टेंथ में आई, तो टेंथ में जैसे ही एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन में मतलब ये हाल होता था कि मेरे लिए, मतलब मेरी जो टीचर्स थी वो ड्रेस लिए रखती थी, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मुझे ही डांस करना है, नेक्स्ट में मुझे ही करना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, बस रेणुका को तो करना है। तो लगता था सूरतगढ़ छोटी सी जगह है इसलिए वहाँ पे, और उस ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ 70s की, तो हो सकता है उस टाइम नहीं होता होगा। लेकिन ये करने के बाद भी मेरी जो मदर थी वो मुझे थोड़ा सा खींच के रखती थी, हमेशा खींच के रखती थी। मैं कहती थी ये तू ऐसे नहीं करती है, तू डांस अच्छा नहीं करती है, तू गाने को तूने ऐसे क्यों गाया, तूने ऐसे क्यों गाया, क्योंकि मेरी मम्मी यूपी की थी और यूपी वालों में गाने का बहुत ज़्यादा होता है। यूपी वाले जो माथुर होते हैं, कायस्थ होते हैं, उनमें गाने का बहुत ज़बरदस्त वो होता है। तो मम्मी से ही सीखती थी, डांस भी सीखती थी, गाना भी मम्मी से ही सीखा, सब कुछ सीखा। तो सूरतगढ़ में शशि सांखला हैं, वो शादी होकर आई थी, तो उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा, तो उन्होंने मेरे को मेरी मदर से कहा कि भाभी जी बहुत अच्छा डांस करती है, इसमें इनबॉर्न है, तो आप इसको मेरे को दे दो तो मैं इसको कथक सिखाऊंगी। तो उस ज़माने में नाजिम साहब की पोती डांस करे ये तो हो ही नहीं सकता, आप स्कूल में कर रही है चलो ठीक है। तो मेरी माँ के शब्द थे, शशि मुझे मेरी लड़की को प्रोफेशनल नहीं बनाना। और नेचुरली बच्चे थे तो हमको तो लगा था कितना आंटी कितना अच्छा डांस करती है, मैं भी करूँगी, लेकिन मेरी माँ ने नहीं करने दिया। स्कूल में कर रही है, शौकिया कर रही है, कर, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, रोका भी नहीं उन्होंने कभी। ठीक है, आगे बढ़ते गए। तो मैं उस दिन, मेरे को टेंथ की जब एनुअल फंक्शन था, मुझे 10 प्राइज मिले, बेस्ट डांसर, बेस्ट डिबेटर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर, मतलब एवरीथिंग बेस्ट था। उस टाइम MD कुरानी जो गंगानगर में कलेक्टर थे वो आए, तो उन्होंने कहा बेटा तुम यहीं खड़ी हो जाओ, तुम
तुम बार बार जा रही हो, बार बार आ रही हो, तुम यहीं खड़ी हो जाओ, सारे प्राइज तुम्हें मिल रहे हैं। और फिर लास्ट में मुझे मिला बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हमेशा अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। और दूसरे दिन क्योंकि मेरे पापा वीडियो थे तो कलेक्टर साहब आए हुए थे, तो वो हमारे यहाँ लंच पे आए, तो मेरी माँ किचन के भी बहुत शौकीन थी, तो किचन में मेरे को हमेशा किचन में भी काम कराती थी। तो मैं काम कर रही थी तो कुरानी MD कुरानी साहब कहते, बेटा क्या तुमको इसमें भी प्राइज़ लेना है क्या, तुम इतने सारे प्राइज लिए, इसमें भी तुमको प्राइज़ चाहिए क्या। लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे को लगता है मम्मी ने जो सिखाई, जो अब रियलाइज होती है, उस टाइम तो मम्मी को गुस्सा आता था क्योंकि बचपन था, क्या मम्मी आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, लेकिन बाद में लगता है कि मम्मी ने बहुत सही किया, हर चीज़ को सिखाया। उसके बाद कॉलेज गए, गंगानगर कॉलेज में आए, फिर पापा का भी ट्रांसफर गंगानगर हो गया, वहाँ पे भी मैंने डांस किया, गाना गाया, सब कुछ खेला, डिबेट वेट करी, वहाँ पे मुझे कॉलेज में मेरा बेस्ट गर्ल ऑफ द कॉलेज। तो मेरे को अच्छा लगता था कि मेरे को बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल हो तो बेस्ट गर्ल ऑफ द कॉलेज भी मुझे मिलना चाहिए। वहाँ पे मैं NCC करती थी, तो NCC में सार्जेंट की मैं, तो वहाँ पे NCC के जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि दिल्ली में परेड हो रही है तो तुमको उसमें सेलेक्ट करते हैं, दो तीन लड़कियाँ वनस्थली से और एक तुम। तो मैं बहुत खुश थी, मैंने मम्मी मेरा सिलेक्शन, मम्मी का तू नहीं जाएगी, मम्मी मेरा सिलेक्शन हुआ, आप सोचो तो सही, आप कि नहीं, मैंने कह दिया ना नहीं जाएगी, दिल्ली अकेले तेरे को नहीं भेजूंगे, ठीक है। अब उस टाइम तो क्या, आजकल के बच्चे जैसे हम बच्चे शायद नहीं थे, क्योंकि मम्मी ने कह दिया तो एक फाइनल के नहीं है तो आपको नहीं है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, शादी होकर मैं जयपुर आ गई, मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठे हैं। और शादी होने के बाद, और आप देखिए कि मैं मतलब इतना सारा करने के बाद शादी होकर आई, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, लेकिन हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, मैंने 4 साल घूंघट किया, आराम से रही, कोई दिक्कत नहीं थी, इनका साथ था, आराम से ज़िंदगी निकल रही थी। फिर बच्चे हो गए दो, एक बेटा तो मेरा बैठा है, ये डॉक्टर है, और एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंजीनियर, वो IIT इंजीनियर है। शादी होने के बाद कुछ साल बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसी ज़िंदगी तो मैं नहीं जी सकती कि खाली किचन बेडरूम सारा दिन घर पे, ये तो ज़िंदगी मेरे से नहीं होगी। फिर मैंने इनसे कहा कि सुनो मुझे कुछ करना है। ये कि क्या करना है, कि मैंने कहा तीन ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको, कि मेरे को इन तीनों में से आप जो कहोगे वो मैं कर लूँगी। मैं शादी होकर आई थी तब मेरी किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए एज नहीं थी, तो मैंने कहा मैं RSS करना चाहती हूँ, ऑप्शन 2, कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, ऑप्शन 3, और तीसरा ये कि मैं जो मेरा शौक है डांस, मुझे पता है कि शादी के बाद उस टाइम नहीं होता था, मैं बात कर रही हूँ 80 90 के, तो उस टाइम हम लोग नहीं ये हो सकता था कि डांस करें, आजकल तो बहुत अच्छा माना जाता है कि भैया डांस कर रहे। तो इन्होंने कहा तुम्हारा शौक करो, वो चीज़ मेरी ज़िंदगी की, मुझे जो लगता है आज भी वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आपका शौक, मैंने कहा मैं शौक करूँगी तो मैंने, अगर गाना मेरे को गाना है तो मेरे को सीखना पड़ेगा वापस, वो स्कूल का गाना और वो गाने से तो, लेकिन अब मेरे को सीखना पड़ेगा। तो क्या टीचर बोला, तो मैंने कहा अपने घर में सुई गिर जाती तो आवाज़ हो जाती है, मैं गाऊँगी कैसे। तो इन्होंने कहा गाओ, तुमको कौन मना कर रहा है, बुलाओ सर को घर में, गाओ करो क्या। तब मैंने शुरू किया गाना वापस से, मतलब मेरी ज़िंदगी का दूसरा जो कहते हैं वो फेज शुरू हुआ, गाना गाना शुरू किया। और इनके एक कोलीग थे, इनके जो थे बॉस थे, उनकी वाइफ गुलाब जी कल्ला, वो थी आकाशवाणी में, मैंने इनसे कहा मेरे को आकाशवाणी, मेरे को गुलाब जी से मिला दो। इन्होंने कहा हाँ मिलाएंगे, कल नहीं मिला। एक दिन मैं खुद चली गई आकाशवाणी, और मैंने आकाशवाणी जाके गुलाब जी से कहा आई एम मिसेस VK माथुर, मैंने रेणू का माथुर नहीं कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम VK की मिसेज हो क्या, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्या क्या करती हो। तब फिर मैंने उनको बताया, वहीं पास में बैठे हुए थे इकराम राजस्थानी साहब, उन्हीं के पास में बैठते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको देखो अभी एक है ना महिलाओं का एक प्रोग्राम हो रहा है, एक शाम महिलाओं के नाम, तो उसमें तुम अगर गाती हो तो चलो तुम भी गा दो, तुम्हारा भी रख देते हैं। मैंने कहा ठीक है मैडम, ठीक है दीदी आप मेरा भी रख दो। तो मैंने भी गाना उसमें अपना गया।
उसी दिनों कैजुअल अनाउंसर्स के वो चल रहे थे कि भी कैजुअल अनाउंसर्स के लिए करेंगे. तो मैंने कहा सर इसमें क्या है, इसमें क्यों? तो अरे मैडम कुछ नहीं है, बस ये पेपर है, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, आप पढ़ दो और आपकी आवाज़ तो अच्छी लग रही है मेरे को. उनका बस ये शब्द है. मैंने कहा ठीक है सर मैं भी कर देती हूँ. और मेरा उसमें कैजुअल अनाउंसर में सिलेक्शन हो गया. आकाशवाणी शुरू हो गया, अच्छा लगने लगे. आकाशवाणी करा, बच्चों का प्रोग्राम किया, महिलाओं के प्रोग्राम किए, करते गए, बहुत अच्छा लगा. ऐसे बढ़ते बढ़ते बस एक दिन ऐसे ही इकराम साहब ने कहा मैडम आप गाती हैं? मैंने कहा हाँ सर गाती हूँ. तो के गा के सुनाइए कुछ. मैंने गाया तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे. तो उस टाइम वेस्टर्न म्यूज़िक वाले आए थे मारवाड़ी गानों की रिकॉर्डिंग करने. तो इकराम साहब के साथ मेरे फर्स्ट कैसेट जो एल्बम था मेरा वो था इकराम राजस्थानी साहब के साथ. हो गया, कर दिया, वो कर दिया. उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को आकाशवाणी से अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी बनना है. फिर मैंने आकाशवाणी में अप्रूव्ड आर्टिस्ट बन, मतलब मेरा उल्टा शुरू हुआ. पहले अप्रूव्ड होना चाहिए फिर बनना चाहिए, उसके बाद अप्रूव. और जब मैं आकाशवाणी में जब गाना गा के आई, मैं मारवाड़ी गाना लोक नायिका में भी मैं गाना गा के आई, तो मुझे लगा ये कैसे गाना गा दिया आज. क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करने जाते हो वेस्टर्न की रिकॉर्डिंग देख के और वहाँ की आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग देख के, तो मुझे खुद को लगा मैंने ये क्या गा के आई हूँ. खुद को मतलब बहुत फर्क है. वो लोग कहा हाँ मैडम शुरू हो जाइए, वो फिक्स है गाने फिक्स है वो, और हाँ मैडम शुरू हो जाइए. तो वो तो थोड़े से दिन किया, फिर मेरे को नहीं जाता कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकती. फिर उसके बाद टिप्स पे गई, वेस्टर्न के बाद टी सीरीज पे गई. मेरे 17 एल्बम है मारवाड़ी, और आप रेणुका माथुर के नाम से जैसे सर्च करेंगे आ जाएगा, 17 एल्बम है मेरे. फिर उसके बाद काफ़ी दिन आकाशवाणी में काम करने के बाद लगा नहीं नहीं अब बस बहुत हो गया, दूरदर्शन चल रहे. तो मेरे साथ सालेहा गाजी जो आज हो गई, पहले अर्चना थी, तो मैंने कहा अर्चना चल दूरदर्शन चलते हैं. दूरदर्शन गए, दूरदर्शन में तिवारी साहब मिले, बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, रियल में बहुत अच्छे इंसान थे. उनके साथ के साथ मैं ऐसे करना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम चलो आपको इंटरव्यू करवाते थे, आप इंटरव्यू कर सकते हो? मैंने कहा हाँ सर कर लूँगी. बस मेरे अंदर एक, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली किसी चीज़ की, बस सिर्फ ये था हाँ सर कर लूँगी. तो उन्होंने कहा ठीक है करिए. तो मैंने कर दिया. मैंने सबसे पहले इंटरव्यू लिया कुमट साहब का, IAS कुमट साहब थे, उनका इंटरव्यू लिया. उन्होंने मेरे को कहा, जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ उन्होंने कहा आप वकील हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर मैं सिंपल सी गृहिणी हूँ और मुझे शौक है, आर्टिस्ट समझ लीजिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे को तो बस अच्छा लगता करना. कि नहीं आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया. ऐसे ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते गए. फिर थोड़े से दिन बाद लगा कि एक्चुअली एक दिल्ली से कोई टीम आई, आर्क फिल्म्स नाम से, पता नहीं कौन था अब तो भूल गई मैं उसको. उन्होंने छोटी तीज आती है जो अपनी श्रावणी तीज, उसके ऊपर उनको वो डॉक्यूमेंट्री बनानी थी. तो मेरी एक फ्रेंड है उनके पास आई, तो उसने कहा कि रेणु तेरे यहाँ पूजा होती है? मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ तो बहुत अच्छी पूजा होती है. कि तू कर ले, वो लोग आएंगे और अपन पूजा का तू सारा सेट कर ले, सारों को एक, मैंने पूरा मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और पूरा अपने घर में कर लिया. वो करके चले गए, वो दिल्ली दूरदर्शन से आई, बहुत पसंद आई. तब मेरे को मैंने कहा दीदी वो तो हमको मूर्ख बना गए, सारी हमारी ही चीज़ हमसे ही लेकर और खुद पब्लिसिटी पा रहे हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बनाते? तो फिर मैंने, फिर उसके बाद आने वाली थी करवा चौथ, मैंने कहा दीदी अपन बनाते हैं करवा चौथ, और मैंने बनाई वो डॉक्यूमेंट्री. और इन सब के पीछे एक जो सबसे अच्छी चीज़ ली, आप सब लोग कहते हैं जैसे रगड़ाई होती है, टच वुड, भगवान की दया रही, मुझे ये कभी नहीं सोचना पड़ा थैंक्स टू माय हस्बैंड. इस चीज़ के लिए मेरे पैसे की तरफ कभी नहीं देखा, मेरे बस इनको ये कहती सुनो मेरे को ये करना है, तो इन्होंने कभी मना नहीं किया. तो जैसे मैंने कहा मैं करवा चौथ बना रही हूँ कि बना लूँ, कि ऐड कहाँ से बन के करेंगे, हम ऐड का करेंगे भाई, शुरुआत में आप हमारा साथ दे दो फिर हम कर लेंगे. फिर हमने करवा चौथ बनाई, फिर उसके बाद कम उम्र में ब्याह मत कर बनाई, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत सारी बनाई. फिर 99 का टाइम आया, ये सब चीज़ें करते करते 99 में कथा केंद्र के लिए कुछ वो निकली थी, मैंने भी भर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया सेक्रेटरी जयपुर कथा केंद्र. उससे पहले मैंने कथा केंद्र देखा ही नहीं था. जैसे ही सिलेक्शन हो गया तो मैंने कहा मैं कर लूँ, इन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं करो जाओ. तो मैंने कहा मैंने तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन किया ही नहीं. तो उन्होंने कहा इसमें डरने की क्या बात, आप मानेंगे नहीं, जब मेरे पास एप्लीकेशन आई ना, लीव एप्लीकेशन आई, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, ये लीव एप्लीकेशन आई, इन्होंने कहा कुछ नहीं सैंक्शन कर दो, लिख दो सैंक्शन और साइन कर दो. तो
तो उस वो जो सफ़र शुरू हुआ वो मेरा 15 साल चला। 3 सरकारें आईं, कांग्रेस, बीजेपी, फिर कांग्रेस। लेकिन मैं 15 साल जयपुर कथक केंद्र की सेक्रेटरी रही और वो टाइम मुझे बेहद पसंद था। कथक केंद्र में जाके वहीं पे जैसे ही मैं एंटर करी शशि सांकला, वो मेरी माँ मम्मी की फ्रेंड और मैं उनकी सेक्रेटरी, मुझे नेचुरली एक बार मेरे को खुद को भी लगा। तो शशि जी बैठी, नेचुरली वो इतनी सीनियर हैं तो थोड़ी सी तकरार वकरार सब जो होता है, क्योंकि पोस्ट का तो रहेगा ही रहेगा और मैं छोटी इतनी उनसे उम्र में, बट फिर भी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेकिन उनकी एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो जैसे कोई प्रोग्राम हम कहते कि दीदी ये प्रोग्राम करना है, तो वो कहती मैंने एक दो चीज़ कहती थी, मैंने कहा दीदी दिल पे नहीं लग रही, बस इतना कहती कि दीदी दिल पे नहीं लग रही। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा पता नहीं दीदी आप देख लो, कोई परण डाल लो, कोई ये डाल लो, मतलब क्योंकि मैं डांस का मुझे बेहद शौक था। तो मैंने एक चीज़ कही, मैंने मेरी मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आपने मुझे प्रोफेशनल डांसर तो नहीं बनने दिया, लेकिन मैं गई घुंघरुओं के बीच में ही हूँ, आपने मेरे को प्रोफेशनल नहीं बनने दिया, लेकिन मुझे क्योंकि मुझे घुंघरू की आवाज़ बहुत पसंद थी, आज भी बहुत पसंद है मुझे घुंघरू की आवाज़। तो मैं 15 साल वहाँ रही। कथक केंद्र में जाके मेरे को ये लगा कि इससे पहले इतना काम बाहर लोग जाते नहीं थे, तो हमने कहा कि चलो बाहर का टूर करते हैं। जयपुर कथक केंद्र को कौन जानता है, इतना सा कथक केंद्र कोई जानता ही नहीं है, इसको जानना चाहिए। तो उन बाहर लेकर जाते हैं, तो हमने एक उसमें फीचर रखा कि स्टेट से बाहर एक प्रोग्राम रखना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि भी जयपुर कथक केंद्र भी काम कर रहा है। दिल्ली से बात करी, लखनऊ गए और चंडीगढ़ गए, काफ़ी जगह गए, तो बहुत रियल में बहुत अच्छा लगा और लोगों को लगा कि हाँ जयपुर कथक केंद्र भी कुछ काम कर रहा है। वो पीरियड मुझे लगता है मेरे को लाइफ का मेरा सबसे सबसे अच्छा पीरियड था। 2013 एंड में जब मेरे छोटे बेटे की शादी होने वाली थी, बड़े की हो चुकी थी, तब मेरे को लगा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि इज्जत से गई हो, इज्जत से आ जाओ। मैंने रिज़ाइन किया, 3 बार मेरा रेजिग्नेशन कैंसिल किया। उस टाइम किरण सोनी गुप्ता थी, उन्होंने 3 बार कि तुम्हें दिक्कत क्या, मैंने कहा मैम बहुत साल हो गए, अब मैं नहीं कर सकती। और मैं कुछ ये इन्होंने यही कहा कि तुम अपना इतना टाइम तुम कथक केंद्र में दे रही हो, तुम्हारा तो काम तुम्हारा पीछे ही रह गया, तुम्हारा सिंगिंग, और नो डाउट उसके बाद मेरा सिंगिंग एकदम से ब्रेक लग गया, तो कि तुम तुम्हारा खुद का काम क्यों नहीं करती हो। उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर मैं रिज़ाइन करके कथक केंद्र से आई, फिर मेरे घर में रही। घर में रहना भी एक बहुत अच्छा काम, आप बहुत इंजॉय करते हो घर में। और फिर उसके बाद मैंने अपना गाना और वापिस शुरू किया, अब मैं काफ़ी कुछ कर रही हूँ। इस बीच में 2006 या 2007 की बात है, या 2002 में अंताक्षरी शुरू हुई थी, जी अंताक्षरी, तो उसमें एक आनंद शर्मा थे, मुझे नहीं मालूम उनको मेरा कहाँ से नंबर मिला, उन्होंने कहा कि हमको ऑडिशन करवाने, ठीक है मैं करवा दूँगी। मेरे को कोई उसका अनुभव नहीं था कि ऑडिशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उन्होंने मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट बताएं, उन्होंने बताई, मैंने वो अरेंज कर दी, वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद ये सिलसिला फिर सोनी पे भी, सोनी का एक सोनी पे भी आता था प्रोग्राम, एक बार परिवार भी आता था प्रोग्राम, इनके सबके ऑडिशन मैंने करा जयपुर, मतलब सबके पास, सोनी, NDTV, स्टार, जी, इनके सबके पास मेरे नंबर थे, सब मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करते कि रेणुका जी ये कर देना, ठीक है मैं कर देती हूँ। और ये मैंने करवाए और बहुत सालों तक करा, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था ऑडिशन। इतने बच्चे यहाँ से भी, काफ़ी बच्चे निकले, एक अश्मत या एक लड़का था वो भी गया, एक जैसलमेर का एक कोई लड़का था जो बॉर्नविटा के एड में भी आया था, उसको भी भेजा। तो काफ़ी सारे बच्चे, खुद को लगता है इवन आपका ये स्वरूप खान, वो भी तोशी तो 2007 की बात है, जो वॉइस ऑफ इंडिया ओपन कर रहे थे, वॉइस ऑफ इंडिया जो यहाँ पे 2007 का जो किया था जय क्लब में, वो बहुत बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। जय क्लब की दीवार टूट गई, 10,000 लोग आए थे उस ऑडिशन, दीवार जय क्लब की दीवार टूट गई थी कि वो लोग सब दीवार तोड़ गई, लोगों को रोकना मुश्किल हो गया। उस दिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू होने वाला था बारिश हो गई, इतना ज़बरदस्त बारिश, अब गज्जी, शान, अलका याग्निक और ये सब जने बैठे हैं कि अब क्या करें। उसके बाद दूसरे दिन गज्जी कहते कि रेणुका जी अब क्या करें, प्रोग्राम 2 बजे, रात के 2 बजे थे, वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप हो गया। फिर उन्होंने कहा कि कल करेंगे इस प्रोग्राम को, जबकि ऐसा होता नहीं है, उनका लखनऊ में शेड्यूल था ऑलरेडी,
ऐसा होता नहीं। उन्होंने कहा रेणुका जी कल आप परमिशन ले लेंगी, क्योंकि परमिशन उसी दिन की थी कि आप परमिशन लेंगे। मैंने कहा हाँ सर परमिशन मैं ले आऊँगी। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कह तो दिया एक तो परमिशन, और एक सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक कहाँ से आएगी, क्योंकि पब्लिसिटी तो कल की हुई थी, आज की तो हुई नहीं। तब ये और इनके फ्रेंड ने सारे जितने वो थे सबको रात को उसमें पेपर्स में दिया, और उसके बाद सब ने अपने अपने उसको फ़ोन किया कि चेक क्लब पहुँचाना। उसके बाद आप देखिए सुबह 10 बजे मैं उस टाइम थे सेक्रेटरी हमारे सलाउद्दीन अहमद साहब, उनके पास गई। मैंने कहा सर कल की परमिशन थी, प्रोग्राम मेरे को आज कराना है, और हमारे चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा ओके रेणुका। मैं अखिल अरोड़ा उस टाइम कलेक्टर थे जो परमिशन देते, तो मैं कहता हूँ उनको परमिशन, मैं उनके पास लेके आ गई 2 बजे, और गज्जी चले गए थे उस टाइम अजमेर। परमिशन मिली, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, तो जितने भी जने थे सब ने यही कहा कि बेस्ट प्रोग्राम, 6 उन्होंने जगह किया और बेस्ट प्रोग्राम हुआ था उनका जयपुर। जर्नी जिंदगी आपको इतने रंग दिखाती है, इतने सबक सिखाती है, हर दिन आप सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर दिन हर एक से आपको सीखने को मिलता है। इससे अच्छी मेरे को लगता है दुनिया में कोई बात नहीं है कि सीखने वाला चाहिए। हर दिन कोई आदमी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर चला जाता है। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से उसको जीना चाहिए, और जहाँ तक है खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मिलेंगी, और अच्छे लोग हैं दुनिया में, ये मैं मानती हूँ। इस मामले में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, सबसे अच्छी बात है। और आप सब लोगों की दुआएं, और आप सब लोगों की, मैं जर्नी आप सोच रहे हैं आप चल रहे हैं, मैं आज भी सोच रही हूँ कि मुझे जर्नी अभी ख़त्म नहीं करनी। कलाकार अपनी जर्नी कभी ख़त्म नहीं करता, और चलनी चाहिए। तो जब तक हूँ गाऊंगी, कैसा भी गाऊँ। थैंक यू।